सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान में मुसलमान आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि हर रेफ्यूजी कंपैशन डिजर्व करता है या नहीं। हर देश का अधिकार है कि उसको किसको यहाँ पे सिटीजनशिप देना है या नहीं देना है। रिलीजियस लाइंस आप ये मानते हैं जिस तरह से रिलीजियस लाइंस पर हाँ ये अधिकार है, हर देश का अधिकार है, हर देश का अधिकार है। दिस इज वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। आवर कंट्री इज अ सेक्युलर कंट्री। मैडम ये तो कानून बनाना देश का अधिकार है कि कैसे अधिकार ना। उसके बाद जब मैंने उन छात्राओं से बात करने की कोशिश की और पूछा तो वो मुझसे भी शुरुआत में बात करने से मना कर रही थी और वो ये कहना चाह रही थी कि नहीं सारा मीडिया बिका हुआ है। और मुझे बड़े शर्म और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कोई भी पत्रकार को ये बात सुनने मिले। लेकिन फिर भी मैंने उनसे सवाल किया और मैंने ये बात जानने की कोशिश की तो उन्होंने वो पूरी घटना के बारे में बताया कि कैसे एक मीडिया चैनल का पत्रकार आकर के उनसे सवाल कर रहा था और किस तरीके से उनके पहनावे को टारगेट करके उनसे सवाल करके उन्हें कहीं ना कहीं गलत साबित करने का प्रयास कर रहा था। ये बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन पे भड़क सकते हैं तो ये भड़क रहे तो हम समझ सकते हैं। आई नो वेरी क्या बोला था? कि अगर अभी ये क्वेश्चन पे भड़क रहे हैं इतना तो हम समझ सकते हैं कल लाइक अबाउट द इंसिडेंट्स ही वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स जाने इंसिडेंट्स सो वी आर नॉट स्टूपिड। आपने कुछ सवाल भी किया था, क्या सवाल था जो जवाब नहीं दे पा रहे थे? हमने ये सवाल किया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी एक स्टेटमेंट आया कि रेफ्यूजीज जो है वो कंपैशन डिजर्व करते हैं। तो हमारा एक सिंपल सवाल था उनसे कि कंपैशन हर इंसान डिजर्व करता है। इंसान को मुसलमान हिंदू सिख ईसाई के नाम पे कंपैशन नहीं दिया जाता है। कंपैशन हर इंसान इंसान होने के नाते डिजर्व करता है। एंड दिस इज द वेरी वायोलेशन जो ये एक्ट ला रहा है। क्या हम हिंदूज को लेंगे, क्रिश्चियंस को लेंगे, सिख को लेंगे और बुद्धिस्ट को लेंगे? व्हाट डज दिस मीन? दिस इज क्लियर वायोलेशन ऑफ आवर सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। न्यूज 18 शुड बी वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। दैट गाय वाज ट्राइंग टू फीड इन वर्ड्स इन माय माउथ। क्या अच्छा तो आप रोहिंग्या मुसलमान के लिए कर रहे हैं ये? नहीं कर रहे हैं। दिस गाय शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। क्योंकि मेरा एक सिंपल सवाल उनसे ये था कि कंपैशन हर रेफ्यूजी डिजर्व करता है। वो इंडिया से आ रहा हो, वो पाकिस्तान से आ रहा हो, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, हर किसी को हम खुले दिल से बिल्कुल वेलकम करें। उन्होंने आपसे एक सवाल किया था कि क्या आप अपने अपने आप को इंडियन मानते हो? मतलब ये क्या सवाल था? Who the hell was he to ask me कि आप इंडियन मानते हो? No, he is like, वो होते कौन है आपसे पूछने वाले? इंडियन आप खुश रहिए। ये इस मिट्टी से होने का प्रूफ दूं कि मैं इस मिट्टी से बिलोंग करती हूं? क्यों प्रूफ दूंगी? दिस पर्सन शुड बी अशेम्ड एंड इस पर्सन को वायरल करना चाहिए। हाउ डेयर ही आस्क सच क्वेश्चंस एंड हाउ डेयर ही पुट वर्ड्स इन माय माउथ। ये हमारे पहनावे से और हमारे उड़ावे से हमारे पास आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी स्टेटमेंट बिल्कुल शर्म आनी चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर को। ऐसा स्टेटमेंट इतने टेंस माहौल में ऐसा स्टेटमेंट देते हुए शर्म आनी चाहिए। बिकॉज ऑफ हिज स्टेटमेंट वी आर फीलिंग थ्रेटन्ड, वी आर फीलिंग फियरफुल। बिकॉज यस वी आर द पीपल हु ड्रेस डिफरेंटली बट ही इज नोबडी, ही हैज नो राइट टू पुट अ क्वेश्चन ऑन अस कि हम इंडियन है या नहीं। जो सरकार अपने एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड नहीं कर सकती है वो हमसे नागरिकता के सर्टिफिकेट्स मांगती है। एंड दिस पर्सन ये बहुत बड़ा चमचा आया था। जस्ट मेक दैट गाय वायरल प्लीज प्लीज। फेमस होना चाहिए फॉर हिज इस इंसान ने मतलब क्या क्वेश्चंस कर रहे हो? आप नागरिकता है या नहीं? कैसे की थी थोड़ा बताइए। वो पहले आके हमसे वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हमसे? क्या आप इंडियन है? क्या आप मानते हैं कि आप इंडियन? क्यों नहीं मानते हैं कि आप नागरिक हैं इस कंट्री के? आपको अधिकार है ना, बैंक का अधिकार है, रहने का अधिकार है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप यानी कि एक्सक्यूज मी इज आस्किंग, क्या हमारा राइट नहीं है कि हम डेमोन्स्ट्रेशन करें? क्या हमारा राइट नहीं है कि हम पीसफुली डिसेंट करें? व्हाट वाज दैट पर्सन आस्किंग? उसकी हिम्मत कैसे होती है पूछने की कि नागरिक है या नहीं है? एंड देन ही सेज कि एक क्वेश्चन क्योंकि हम ड्रेस्ड अप डिफरेंट हो जा रहे हैं, एक क्वेश्चन पे ये लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ही इज ट्राइंग टू शो दिस कि अगर ये एक क्वेश्चन पे ऐसे प्रोवोक हो रहे हैं तो इमेजिन व्हाट ही वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स, व्हाट ही वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स, ये सब समझ सकते हैं। News 18 शुड बी फेमस फॉर व्हाट दे आर डूइंग। वो भड़क गए बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू आंसर। हमारा सवाल है कि अगर ये एक क्वेश्चन पे ऐसे भड़क रहे तो वी कैन इमेजिन and you see where he is pointing towards. Imagine what? बहुत अभी सवाल किया था हमारे सारे
सिटीजंस ऑफ इंडिया खड़े हैं, सिटीजंस ये नहीं है, हम हमारे सिटीजंस ऑफ इंडिया हमारे साथ खड़े हैं. वी आर नॉट स्टैंडिंग हियर एज मुस्लिम्स, वी आर नॉट स्टैंडिंग हियर एज इंडियंस, एज इंडियंस वी आर इंडियंस, वी टिल द लास्ट ब्रेथ वी विल बी इंडियंस. अगर हमें मार डालोगे, हमारे 2 साल के छोटे बच्चे को एज अ इंडियन खड़ा करेंगे, नॉट एज अ मुस्लिम. वो जरूर मुस्लिम है हम, मगर पहले हम इंडियंस हैं. आप ऐसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हो? दिस न्यूज 18 गाय शुड बी लाइक अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. वो हमारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे हम सबसे डिफरेंट हैं. ट्राइंग टू गेट एनीथिंग, दे आर ट्राइंग टू गेट एनीथिंग.